अच्छे अच्छे दवाओं के बाद बात करने की जगह रखी। तो मेरा नाम ध्यान अल्लाह वाला है और मैं इसे एक एंटरप्रेन्योर फैमिली से हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ। टेक में हम खाली जिंदगी, मेरा शौक खाली है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 10 साल से और एंटरप्रेन्योरशिप को इस्तेमाल करके कुछ बच्चे बात के लिए काम कर। तो ब्रदर दिन नहीं ठीक है और लाख के कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन टेक फॉरवर्ड इंसान सबसे पहले अपने आप से शुरू करता है, अपने घर से शुरू करता है, उसके बाद आगे लेके जाता है। तो मैं और जब बड़ा होता था तो बेचैन रहता था कि यार ये हालात खराब है, ठीक नहीं होते, होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बहुत परेशान रहता था जैसे हम सारे परेशान। तो हमने परेशानी को आदत बना लिया, हर चीज हम परेशान है, परेशानी हो या ना हो बहुत सारे लोग हम हैं परेशान। तो फिर मौलाना रफी को पढ़ा और उनको पढ़ा, तो मौलाना रफी के कोटेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने अपने घर के दरवाजे को लगाया है। पहले मैं बहुत अकलमंद था, सबको बदलने की कोशिश करता था, थोड़ी सी दानाई आ गई तो खुद को बेहतर करना। तो हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो करें, आज का जो दिन है वो पिछले गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है, वो बेहतर कैसे होता है? पहले तो हमें यही पता था कि फिर अम्मी की तैयारी सबसे अच्छी। तो अब 10,000 बिरयानी तो नहीं खाई होगी किसी ने, लेकिन 40-50-100 बिरयानी खा सकते हैं आप और चेक कर सकते हैं अच्छा क्या है। हम .com के लोग हैं, हमारे सामने इंटरनेट भरा हुआ है और अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं, हमें गूगल करना चाहिए, देखते हैं कि 10 लोग और क्या काम कर। अगर मुझे टिकट की दुकान खोलनी है तो मैं शावर जर्सी भाई जा कर रहे हैं, तीन भाई जा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह लोग जा कर रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं इसे देखिए। तो उनके काम को अप्लाई करूँगा, उससे कंपेयर करूँगा ताकि अपने अंदर बेहतरी आ सके, मेरी जबान को पता हो अच्छा क्या हो रहा है। सारे लोग कहते हैं यार अच्छी सी चीज़ ले, ये अच्छी चीज़ तो कोई नहीं होती, नंबर के दौर के अंदर अच्छा इंसान पड़ते हैं, हमें नंबर लगाना चाहिए, हमें चाहिए इस तरीके से अच्छा कह रहा है। आज बहुत सारे लोग बातें कह रहे हैं, कोई अच्छे कपड़े पहना होगा तो भी अच्छा, कोई अच्छी बात कहे तो भी अच्छा। हमें मैं यही कोशिश की होती है कि मैं हर एक से काम की बात, बच्चों से, घर वालों से, जो साफ सुथरे पूछता हूँ, 1 से 10 से कंपेयर करूँ, 1 to 10 रेट करो। जैसे हम गूगल मैप्स में करते हैं या और सॉफ्टवेयर में करते हैं, रेटिंग हम रेटिंग सिस्टम की आदत हो जाए, रेट करें आप अपने आप को कहाँ समझते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उससे हमारे अंदर बेहतरी आ जाएगी। आप पाकिस्तान को कहाँ समझते हैं, आप अपनी फीट की जिस भी शोबे में आप हैं, अगर कोई दर्शन चला रहे हैं तो उसको कहाँ समझता है, टेन को समझता है, 5 को समझता है, लेकिन वो समझने के लिए जरूरी है कि उसने 10 ऐसे जा रहे हैं और देखें। अगर नहीं देखें यूट्यूब पर देखें, मैं पिशावर में ठहरा हुआ था आज से 3 साल के बाद, एक होटल आ गया उधर ही, तो मेरे जो तकिया था उसमें थप्पा लगा, कोई गंदा सा था, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने बंदे को बुलाया, मैंने कहा ये 4-स्टार होटल है तो उसका तकिया तो चेंज कर दो, मैं कहा 2-स्टार था, लेकिन वो लाला ऐसे ही था। मैंने उधर आप खुश करने के लिए कहा ये और जबरदस्त होटल है, तो आप ऐसा तो नहीं बना दिया। तो कहते साइन सर वाइस स्टार 4-स्टार, ठीक है क्या करें ऐसे ही होता। उसको कभी कभी उसके 4-स्टार देखा नहीं, को पता नहीं है कि 4-स्टार क्या है। हम जिस दौर में रह रहे हैं आजकल, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एजेंसी है, कि इन्होंने कब का स्टैंडर्ड दुनिया में बनाया, हम इनसे कंपेयर करेंगे ना, बताएंगे देखेंगे रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स के मुकाबले में कैसा, एजेंसी के मुकाबले में कैसा। तो हमें आसानी हो रही है, हमारे पास विजुअलाइजेशन आसान हो रही है, देख सकते हैं कि बेहतर कैसे है। मैंने इसी चीज को समझने के लिए दुनिया में सफर किया, 85 कंट्रीज में गया, बहुत सारे और अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही जबरदस्त मुल्क है, सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उन रिसोर्सेज की वजह से हमें बहुत समस्या है कि बैडली मैनेज करते, तो हमें बैडली मैनेज करते, बैडली मैनेज क्यों है, क्योंकि हमें सर्टेन आदतें हैं और हम उन आदतों को नहीं बदलना चाहते। तो मैंने जाति तौर पर ख्याल है कि हमें आदत से गरीब होनी, हमें आदत होगी गरीब रहने की, छोटा सोचते हैं, हमारे गोल्स छोटे होते हैं,
भाई एम्बिशन छोटे हो, कोई मदद अगर कोई मिलता आपके बोल दे ये मैं 100 मिलियन डॉलर का कंपनी बनाना चाहता हूँ, सब गूगल पे देखेंगे, तो तारीफ नहीं करेगा, तब भी नहीं देगा, विदाउट पे लोग ऐसे हो। तो आप लोगों को आप लोग लगनी है कि इस शहर में ये स्पिरिचुअल जैसी जगह मौजूद है और शहरों में जगह मौजूद है, रंबाड़ी में देखो दीवाने मिलती ही कोई टेक्निक ऐसी जगह नहीं थी, कहाँ जगह कहाँ है, वो चलेंगे जब मिल बैठेंगे दीवाने तो वो दीवाना मिल जाएंगे, दीवाने ढूंढना तो गूगल भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, किधर ढूंढना, बहुत ज़्यादा दिन है। अब बहुत अच्छा टाइम है ग्रोथ के लिए, स्पीड बहुत बढ़ गई है और इसी कॉस्ट को आगे बढ़ाते हुए कि हम बेहतर कैसे हों, मैंने पॉलिटिकल पार्टी लास्ट बनाई है, तो उसका गोल ये है कि हम ऐसे पैशनेट लोगों को लें जो कि अपने फील्ड में अपने वर्टिकल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वही चीज जो मैं 10 साल से बता रहा था जो नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो हम इसको पॉलिटिकल चक्कर में थे। हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक 21st सेंचुरी की पार्टी है, तो उसमें हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हर चीज़ ऑनलाइन है और ये ऐप रेडी हो चुकी है। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हम ये कह रहे हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, स्टार्टअप के बारे में पैशनेट हैं, एजुकेशन के बारे में पैशनेट हैं, अपने इलाके के बारे में पैशनेट हैं, तो उसको आप लें और हमारे साथ ट्रेनिंग लेकर ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस लाइक अगर आप स्टार्टअप करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, 3 महीने 6 महीने के बारे में सीखेंगे कि आपने स्टार्टअप कैसे करना है। उसी तरह से आप हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें, हमारे कोर्सेज करें, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स कैसे करनी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, आप लोगों से बात कैसे करेंगे, अपने आप पिच कैसे करेंगे, वो ट्रेनिंग है और उसके लिए आप हर 3 महीने के बाद एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कराएंगे और हर 3 महीने के बाद आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कराएंगे 2 साल तक, जब आप 8 कॉन्फ्रेंस एक सब्जेक्ट में कराने लगेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन उस फील्ड में चेंजेस आने लगेंगे। आप उन तमाम लोगों को जानते होंगे जो उस फील्ड से रिलेटेड है, मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कि हर घर में सोलर एनर्जी हो, मेरा बिलीव है कि 10 साल में बिजली फ्री होगी और सोलर सिस्टम से, तो हम उसको कैसे पहुँचेंगे, हम समी हज टू वर्क आज शुरू करेंगे तो 10 साल में हम पहुँचेंगे। तो आपका जॉब एज मिनिस्टर हम बनाते हैं, शैडो मिनिस्टर बना देते हैं उस शोबे का जिसमें आप काम करना चाहते हैं और उसके अंदर आप उस शोबे के दुनिया के टॉप लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं, एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं, उनसे बातें करते हैं, समझते हैं और हर 3 महीने बाद उनके साथ मिल के एक कॉन्फ्रेंस कराते हैं और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू होता है 3 महीने के लिए, फिर शुरू होता है 3 महीने के लिए और साल में एनुअल कॉन्फ्रेंस कराते हैं। इसके नतीजे में ये होता है कि वो इंडस्ट्री हिलने लगती है और आप वो वोकल पर्सन बन जाते हैं, आप वो मिनिस्टर बन जाते हैं जिसके पास हमें भी एक्सेस होती है, आवाम को भी एक्सेस होती है कि भाई मैं सोलर में ये काम करता हूँ, आप मेरी मदद की, तो उस आदमी के पास रिसोर्स भी होते हैं, उस आदमी के पास कनेक्शंस भी होते हैं और आप अपने अपने वर्टिकल्स के अंदर इसी तरह का रोल प्ले आप लोग भी कर सकते हैं और उसको करने के लिए हम उसमें आपको हेल्पिंग करेंगे, राइट मिलेंगे अगर आपको चाहिए। इस आदमी के पास में हम मेरा वहाँ चाहिए यही क्या चीज़ कोई मुझे बात नहीं समझता है,
कोई उसको पैस्टर समझता है, वो क्यों समझता है? मैंने कहा ये हमारे वर्ग के अंदर जो अच्छे लोग हैं ऐसे करते हैं, अच्छा हमें भी सिलवाओ। वो कहते हैं $200 का, ठीक है ले लो। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेन फैशन हैज बीन इग्नोर्ड फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, तो वी डोंट डू दैट। तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज है, बट जो पुरानी चीज़ें थी वो उनकी छुट्टी हो जाए, सब को मालूम। तो आप पुराने को इग्नोर करें, अनलर्न करें और आगे लेके चले। और आई थिंक वी हैव नथिंग, नो वे टू गो बट डाउन एज अ कंट्री। हम नीचे किधर जाएंगे? ऊपर ही जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आए, अपने आप को जबरदस्त बनाते हैं। मेरे मुल्क में मुझे एक तकलीफ होती है कि आप ही है, कि हम सब अपने आप को शॉर्ट कर रहे हैं। आपका कोई दोस्त 25 लाख की गाड़ी और 2 लाख का बेच के आ रहे हैं, आपको कैसा फील होगा? अच्छा लगे? मुझे तो बड़े लगे यार, बात है कमाल की। इसी तरह हम हर पाकिस्तानी अपने आप को सस्ते में बेच के आ रहे हैं, सस्ते में बेचते हैं। अगर ये वही प्रोग्रामर न्यूयॉर्क में ज्यादा पैसे ले सकते, जब हम कमरे के अंदर आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर भी है, कैसे ज़्यादा क्यों नहीं कमा रहा? इसलिए कि वो सोच नहीं रहा कि मैं कर सकता। मैंने अपनी अमरीका कंपनी पाकिस्तान में 11 साल तक यहाँ बैठे चलाई, मुझे बिजली नहीं देती थी, उसको मैंने जीरो से $1 million में कन्वर्ट किया यहाँ बैठ, सब कुछ यहाँ। और ये आज का नहीं, आज तो अर्जे साहब कह रहे हैं कंपनी खोल लो, अकाउंट खोल लो, सब कुछ खोल लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं था आज से 22 साल पहले। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी, आप करें। हम सारे आपको हेल्प करने के लिए मिल रहे हैं। इंटरनेट खराब है, यूट्यूब खराब है, आए मिलकर अपनी बल्कि अमीर करते हैं। आपके पास $1 million होंगे, जैसे अभी हमारे फ्रेंड के सामने नहीं आएंगे किसी के लिए, तो आपके पास भी सब जाएंगे। आप खुद ध्यान करते हैं, लेट्स पिक अप दैट चेंज व्हिच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप खुद वो चेंज कर जाएंगे।